जहां सरकारें विकास के बड़े बड़े दावे कर रही हैं, तो वहीं जमीनी हकीकत तो कुछ और ही बयां करती है। कटनी के करौंदी गांव की जनता आज भी बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। यहां पर बारिश में पूरा मार्ग दलदल में तब्दील हो गया है। बच्चे दलदल के बीच जान को जोखिम में डालकर स्कूल पहुंच रहे हैं, तो वहीं गांव में यदि कोई बीमार हो जाता है तो उसे फिर बल्ली के सहारे झोली डोली बनाकर कंधे में लादकर ले जाने के लिए गंभीर व्यवस्था बनी हुई है। करौंदी गांव के ग्रामीणों ने बताया कि गांव तक पहुंचने के लिए उन्हें मुख्य मार्ग से तकरीबन 2 किलोमीटर कच्ची और कीचड़ भरी सड़क को पार कर जाना पड़ता है। कई साल बीत गए लेकिन आज तक मेन सड़क से गांव तक सड़क नहीं बनी। बच्चों के पढ़ने के लिए गांव में स्कूल भी नहीं है। आंगनवाड़ी केंद्र की सुविधा भी गांव से नदारद है। गांव में आशा कार्यकर्ता भी नहीं है और बीमार लोगों को एक कबाड़ बना उन्हें कांधे में लेकर 2 किलोमीटर मेन सड़क तक ले जाना पड़ता है। सड़क, आंगनवाड़ी, स्कूल, आशा कार्यकर्ता न होने के कारण ग्रामीणों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बीते दिनों तेज बारिश के कारण सड़क दलदल में तब्दील हो गई है। गांव की एक महिला को घर में ही प्रसव कराना पड़ा, जिससे जच्चा बच्चा दोनों की जान को खतरा बनाया था। छोटे बच्चों को दलदल भरी सड़क से स्कूल पढ़ने जाना पड़ रहा है। आंगनवाड़ी केंद्र न होने के कारण छोटे बच्चों को पोषण आहार एवं महिलाओं को टीकाकरण भी समय पर नहीं हो पा रहा है। अब ताजुब की बात तो यह है कि ये गांव किसी भी अफसर, जनप्रतिनिधि को नजर नहीं आ रहा है। गांव में, हमारे करौंदी गांव में सड़क नहीं है, आंगनबाड़ी स्कूल नहीं है, आशा कार्यकर्ता भी नहीं है। यहाँ जो यदि बीमार भी हो जाए या ड्राइवली भी हो जाए, यहाँ गाड़ी नहीं आ पाएगी। यही समस्या है कि सर हमारे गांव के लिए रोड नहीं है, बच्चों के लिए बहुत परेशानी है। मतलब 2 किलोमीटर हम बच्चों जाते हैं पढ़ने के लिए, बहुत कीचड़ है, बरसा हो जाता है तो बहुत परेशानी जाता है, बच्चा पढ़ने के लिए जा ही नहीं पाते हैं। और हमारे यहाँ कुछ भी अगर ऐसी बीमारी अगर हो जाए, किसी को एक डिलीवरी हुआ था 2-3 दिन पहले, बहुत परेशानी हुआ। और यहाँ आंगनवाड़ी नहीं है, ना रोड, ना कुछ नहीं है। मतलब यहाँ के लोगों को बहुत परेशानी है। इसे बोल रहा हूँ, मेरे घर पे मेरी पत्नी गीता भाई का डिलीवरी हुआ है अभी 2 दिन पहले। तो सर रोड की वजह से मैंने 108 को नहीं किया फोन, क्योंकि गाड़ी गांव पे नहीं आ पाता था सर, इसकी वजह से मैं कॉल नहीं किया था। और रात की बात है, इसलिए दिन में भी गाड़ी यहाँ पे कोई गाड़ी नहीं आ सकता सर। हाँ, अभी तो वो सुरक्षित है सर। मैं वहाँ पे जो हमारे आशा कार्यकर्ता है अभी तलवन में, उनको मैं सूचना दिया था, और हमारे गांव पे कोई आशा कार्यकर्ता भी नहीं है, इसकी वजह से और समस्या जाता है। और सर्वप्रथम मैं यही सरकार से दरख्वास्त करूंगा कि हमारे गांव में रोड। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।